वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस समय मैं हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से टिगोर है स्टाइल बैग। तो इस समय मैं हूँ फैजाबाद के श्री देव व्हील्स में, जो टाटा मोटर्स के ऑथोराइज्ड डीलर हैं, मतलब यहाँ के जो डीलर हैं टाटा मोटर्स के वो श्री देव व्हील्स हैं। तो दोस्तों आज मैं एक प्रॉपर रिव्यू के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा आके, काफ़ी बहुत अच्छा इनका उनकी सर्विस और मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था। तो अभी देखते हैं कि मुझे नेक्सॉन प्रोवाइड होती है कि टिगोर प्रोवाइड होती है, तो इस हिसाब से मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आगे देखते हैं। पहले मुझे नेक्सॉन प्रोवाइड की गई है कि मैं इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह ले सकता हूँ। तो जस्ट पीछे आप मेरे गाड़ी देख सकते हैं, ये खड़ी है, टॉप क्रेम है ये नेक्सॉन की और 1.5 डीजल है। और मतलब यहाँ आके किसी को भी मतलब मन नहीं करेगा कि यहाँ से जाने का। तो काफ़ी अच्छी सर्विस मुझे मिल रही है अभी तक। और जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा, जस्ट अभी अभी नेक्सॉन की डिलीवरी हो रही है मेरे सामने। तो काफ़ी हॉट सेलिंग एसयूवी है नेक्सॉन, उसकी जस्ट एक डिलीवरी जा रही है। तो फिलहाल मैं इस गाड़ी का रिव्यू करने वाला हूँ शानदार। आप उसे फ्रंट प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ। तो ये है नेक्सॉन की फ्रंट प्रोफाइल, गज़ब की गाड़ी है। लुक्स के मामले में कोई इसे दो राय है ही नहीं कि लुक्स में ये गाड़ी कहीं से पीछे होगी। इसके साइड प्रोफाइल को भी आप देख सकते हैं कि बढ़िया एकदम हिरन जैसी चाल वाली ये गाड़ी, तो कोई दो राय है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिलेंगे जो काफ़ी अच्छे लगते हैं, और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है। एक कॉम्पैक्ट एसयूवी होने के बाद भी नेक्सॉन अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट गाड़ी है। उसके बैक प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, तो कुछ साल पहले तक अगर आप इस गाड़ी को देखते तो शायद ही ये टाटा की आपको लगती। एलईडी टेल लैंप्स बहुत अच्छे हैं इसके और काफ़ी अच्छे। और मैं आपको दिखा दूं, ये आईपीएल के ऑफिशियल पार्टनर है टाटा नेक्सॉन। तो फिलहाल मैं नेक्सॉन का कैबिन आपको दिखाना चाहूँगा जो कि बहुत प्रीमियम लगता है। तो इस समय मैं नेक्सॉन के कैबिन में हूँ, काफ़ी शानदार ये कैबिन है। इधर मैं आऊँ तो ये प्लास्टिक जो आप देख रहे हैं, इसे सच बताऊँ तो गंदा करने का मन नहीं करता। क्या मतलब गज़ब का काम हुआ है नेक्सॉन में जो कि हम देख रहे हैं इस समय, और काफ़ी बेहतर ये टाटा की पुरानी गाड़ियों से तो फार बेटर ये लगता है। और ये लेदर स्टिच्ड है शायद मेरे ख्याल से, हाँ ये लेदर स्टिच स्टेयरिंग व्हील है टाटा मोटर्स की तरफ से। और इसे मैं स्टार्ट अभी नहीं कर सकते क्योंकि कीलेस एंट्री है। तो आप ऐसे ही देख लें, ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। और इधर मैं आऊँ तो आपको मिलता है 6-speed है ये, जी हाँ 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है, जो कि इसकी राइवल है विटारा ब्रेजा, उसमें आता है 5-speed, जो कि ये 6-speed है जो काफ़ी अच्छा है। इधर मैं आ जाऊँ तो जी ये आप देख रहे हैं, ये है इसका ड्राइविंग मोड, मतलब यहाँ से आप इसके ड्राइविंग मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। 3 मोड्स आपको यहाँ मिलेंगे, एक है सिटी, इको और स्पोर्ट। सिटी में आप यूजुअली शहरों में गाड़ी चला सकते हैं, इको में अगर आपको बेहतर माइलेज चाहिए तो, और स्पोर्ट्स तो रैश ड्राइविंग के लिए होता है। और इधर मैं जाऊँ तो ये हैंड ब्रेक है, और ये आप देखेंगे ये पूरा क्लस्टर जो है यहाँ पे आके जॉइंट हो जाता है, तो मतलब गैपिंग आपको बीच में नहीं मिलेगी और बहुत ही प्रीमियम लुक ये देता है। ये आ जाता है इसका ग्लव बॉक्स जो कि अच्छा है, स्पेशियस है, और जी ये मेरे ख्याल से एयरकूल नहीं है, तो इसे एयरकूल होना चाहिए था। स्पेस थोड़ी कम लग रही है मुझे, लेकिन ये आप यहाँ से स्पेस वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। इधर मैं आ जाऊँ तो ये है इसका रेयर व्यू मिरर जो कि ऑटो एडजस्ट है। इधर आपको लाइटिंग्स मिलेंगी जो फुल एलईडी हैं। तो फिलहाल तो नेक्सॉन काफ़ी गजब की है। और ये आप देख रहे हैं इसका जो फ्लोटिंग टच स्क्रीन डिस्प्ले है वो गजब का है। ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलेगा और लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर, बीच में एमआईडी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये।
और ये टाटा की ब्रांडिंग। तो चलिए पीछे भी दिखा देते हैं आपको, उसके पहले मैं दिखा दूँ मुझे लेगरूम कितना मिल रहा है। ये गजब का लेगरूम, स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा टाटा ने प्लान किया इसके लिए, और ये है स्पेस मैनेजमेंट। और मुझे अपने शोल्डर रूम में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, ना ही हेड रूम में। ये मेरे सर बैठे हैं जिन्होंने मुझे गाड़ी प्रोवाइड कराई, तो आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए पीछे चलते हैं, फिर आपको पीछे से कैबिन दिखाते हैं। अब इसका पीछे की सीट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल नई गाड़ी है, पन्नी भी नहीं उतरी है, और इसके पीछे मैं आ गया हूँ। ये आप जबकि देख सकते हैं सीट पूरी पीछे थी, और उसके होने के बावजूद भी इतना लेगरूम मुझे मिल रहा है। की बात करूँ तो ये हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है, हालांकि मेरी हाइट जो है वो 5'9" है, हेडरूम भी ठीक ठाक मुझे लग रहा है। और इधर मैं जैसे दिखा दूँ, ये है इसका आर्मरेस्ट, अच्छा आर्मरेस्ट है, कंफर्टेबल सीट्स हैं, और मेरे ख्याल से 3 adults बैठ सकते हैं, या फिर 2 बड़े adults और एक बच्चा आराम से इसमें बैठ सकता है। तो ये है टाटा नेक्सॉन का कैबिन पीछे से, अच्छा खासा स्पेशियस मुझे लग रहा है। तो आइए इसकी ड्राइव मैं आपको दिखा देता हूँ करके, तो आगे की बात वहाँ करेंगे। तो फिलहाल हम बैठे हैं टाटा नेक्सॉन की कैबिन में, और AC तो भाई गजब का लग रहा है। जैसे ही मैं जस्ट स्टार्ट हुई थी गाड़ी और जस्ट कूल हो गया। मेरे साथ है अतुल सर जो टाटा मोटर्स में टीम लीडर है। तो सर कुछ इस गाड़ी के बारे में आप कुछ बताइए, जो इसके मतलब बहुत ही स्ट्रांग मतलब स्ट्रांग फीचर्स हैं। इसके स्ट्रांग फीचर्स के बारे में मैं कहना चाहूँगा, ये 6 gear के साथ पहली बार कॉम्पैक्ट SUV में, किसी भी SUV में 6 gear दे, उसकी वजह से इसका माइलेज सही बहुत ही बेहतरीन माइलेज है। 110 PS पावर के साथ अगर आप 6-speed ट्रांसमिशन तो गजब का हो जाता है। गजब की स्पीड, और इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही बेहतर होती है हाई ग्राउंड क्लियरेंस होने के बावजूद, और इंजन पावर ज़्यादा होने से 110 PS 497 cc का इंजन होने के बावजूद ये एक अच्छी इंजन पावर जनरेट करती है। और मेरे साथ विजय भी हैं जो इस गाड़ी को चला रहे हैं। भैया आप लगभग आपने सब गाड़ियाँ चलाई होंगी, तो कुछ इसको चला के आपको कुछ खास ऐसा लगता है जी, तो बताना चाहेंगे आप मतलब जैसे हमारे दर्शकों को? सर नेक्सॉन बहुत अच्छी गाड़ी है, और चलाने में और लंबा टूर करने में भी काफी आरामदेह है। मतलब आप लॉन्ग ड्राइव से भी इसको बेहद आराम से चला सकते हैं, कोई थकान नहीं होगी जी। और जैसा कि भैया ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, लेकिन उनको लगानी चाहिए थी, खैर इस बात पे बात ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसा कि अभी मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा सकता हूँ, डिस्प्ले वगैरह मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये है नेक्सॉन का मल्टीमीडिया टच स्क्रीन डिस्प्ले, तो टच रिस्पॉन्सिव मुझे लग रहा है हालांकि, और इसमें पार्किंग कैमरा चलती गाड़ी में भी ऑन कर सकते हैं जी हाँ। तो रिवर्स का आप व्यू देख सकते हैं, हालांकि ट्रैफिक हो कुछ भी हो तो वो आप देख सकते हैं। और नीचे मैं आ जाऊँ तो ये इसका AC के नॉब्स वगैरह, आप ऑटोमेटिक AC है लेकिन AC के नॉब्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इधर आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा 110 PS के साथ, ये टॉप ट्रिम में आता है जो कि एग्जेड प्लस है टाटा नेक्सॉन की। इधर है आपका ड्राइविंग मोड, मल्टी ड्राइविंग मोड, सिटी, टूर, स्पोर्ट्स, हालांकि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, मैं इसे चेंज करके कोशिश करूंगा। ये आपने सुना स्पोर्ट्स ड्राइविंग मोड एक्टिवेट हो गया है, और उधर MID में भी कुछ चेंजेस हुए होंगे। तो हालांकि डीजल इंजन होने के बाद भी कोई मुझे कमी नहीं लग रही है गाड़ी में, और मतलब इंजन नॉइज है थोड़ी, वो तो खैर डीजल में होगी, लेकिन इतना है कि काफ़ी साइलेंट गाड़ी मुझे लग रही है। इसमें आपको 6 एयरबैग्स का ऑप्शन आता है, सॉरी मैं भूल गया था, 6 एयरबैग्स के साथ आती तो काफ़ी सेफ्टी पैक्ड गाड़ी ये है। फिट एंड फिनिश की मैं बात करूं तो प्लास्टिक क्वालिटी टाटा ने काफ़ी सुधार ली अपनी, और मतलब एज कम्पेयर टू इनकी जो पुरानी गाड़ियाँ थी उनसे काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश लग रही है। ये आपको इधर मिलेगा ग्लव बॉक्स, ये शायद एयरकूल ग्लव बॉक्स है, और स्पेस तो भाई गजब की, स्पेस में कोई कमी नहीं है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा इसका कैबिन है। राइड क्वालिटी कंफर्ट की मैं बात करूं तो
अभी तक तो मुझे कोई भी कमी नहीं लगी गाड़ी में, लेकिन कमियां थोड़ा हमें गिनानी पड़ेंगी, तो आगे देखते हैं कोई कमी निकलती है कि नहीं। तो एक नेक्सॉन की ड्राइव के बाद हम वापस शोरूम में आ चुके हैं। तो पीछे में एक गलती मुझसे हो गई, मैंने आपको 6 एयरबैग्स बता दिया था, हालांकि इसमें सिर्फ 2 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड आते हैं विद ABS EBD के साथ। तो 2 एयरबैग्स थोड़ा सा कम लगा, शायद टाटा को कम से कम 6 करना चाहिए था। तो कमी अगर मुझे गिनानी हो गाड़ी में तो मैं कहूँगा एटलीस्ट टॉप ट्रिम में 6 एयरबैग्स आपको। तो दोस्तों ओवरऑल गाड़ी बहुत मुझे अच्छी लगी, मतलब कमियाँ गिनाने पे भी मिली कमी ऐसा नहीं है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी गाड़ी लगी। तो दोस्तों लास्ट में अतुल सर और शोरूम के जो जनरल मैनेजर हैं मिस्टर अमित सर, उनको थैंक्स करूंगा जिन्होंने मुझे गाड़ी प्रोवाइड की जिसका मैं रिव्यू कर सकूं। दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट पहने, हेलमेट लगाए और अपनी गाड़ी ध्यान से चलाएं। और सीट बेल्ट के लिए यहाँ आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा, वो सीट बेल्ट की वीडियो है, आप उसे देख लो। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए सुरक्षित चलें और थैंक यू सो मच।